अब जब से मैंने इंस्टा पे डाइट रिगार्डिंग और फैट लॉस रिगार्डिंग कंटेंट डालना स्टार्ट किया तो रिस्पांस बहुत तगड़ा मिला। रिस्पांस के साथ साथ दुनिया भर के डीएम्स मेरे को आए कि भाई हमें टिप्स दो कि मेरे को हमको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। अब जितने लोगों का हो सकता था मैं रिप्लाई कर देता था, लेकिन सारे लोगों का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो निकाली जाए यूट्यूब पर, जिससे आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प होगी। ये चीज़ मैं खुद के ऊपर लेकर समझाऊंगा कि अगर मैं 25% प्लस बॉडी फैट पर होता तो मेरी क्या अप्रोच रहती, मैं अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस करता 15% बॉडी फैट तक आने की या थोड़े बहुत एब्स दिखाने की, मेरी क्या अप्रोच रहती, कैसे मैं अपनी डाइट मैनेज करता, कैसे मैं अपनी कैलोरी ट्रैक करता, कैसे मैं अपना कार्डियो करता, कैसी क्या मैं सप्लीमेंटेशन वेट ट्रेनिंग करता तो मैं कितनी वेट ट्रेनिंग करता। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख के जाने वाले हो। अब अगर आप 25-30% बॉडी फैट के आसपास और आप सोच रहे हो कि आपके थोड़े बहुत एब्स हो या एटलीस्ट एक फिट बॉडी आपकी हो, आराम से बैठ दो, ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है आपकी, जो इन डिटेल बताएगा कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और इस तरीके समझाऊंगा कि बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाए। अगर तब भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी दिक्कत है आप वहाँ कमेंट कर सकते। स्टेप नंबर 1 होगा कि अगर मैं 25% प्लस बॉडी फैट पे हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी कैलोरी ट्रैक करता, बिल्कुल भी नहीं। तो आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, कितना करना है और कैसे उस पर प्रोसीड करना। अगर आप 25% प्लस बॉडी फैट पे हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप अपने फूड एनवायरनमेंट को क्लीन करो। अब इसका मतलब क्या है, अब आप में इतनी अकल तो आ जानी चाहिए कि जो चीज़ आप खा रहे हो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, अब उसमें कितना प्रोटीन है, कितने न्यूट्रिएंट वो कैरी कर रहा है और कितने मिनरल्स उसके अंदर है। अब एग्जांपल के तौर पे आप एक बेकरी गए, वहां पे जाके आपने एक पेस्ट्री खा ली और अपनी 400 कैलोरीज फूंक दी, उसकी बजाय 2 अंडे खा लो, 1 या 2 केले खा लो, जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीज़ों में। इससे आप हाई प्रोटीन डाइट पर रहोगे, मिनरल्स अच्छे मिलेंगे आपकी बॉडी को और वो भी बिना कोई नुकसान के। दूसरी साइड अगर आप पेस्ट्री खा लेते तो शुगर लेवल्स बढ़ा देती, सारे दिन ब्लोटिंग रहती, सारे दिन थकावट रहती और बहुत ज़्यादा नींद आपको आती। तो सबसे पहले अपना ईटिंग एनवायरनमेंट क्लियर करो, कोशिश करो जो भी चीज़ आप खा रहे हो कम से कम कैलोरीज में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी न्यूट्रिएंट आपको मिले, जैसे कि हरी सब्जियां, चिकन, पनीर, एग्स, इन चीज़ों के आसपास रहो। अगर आपने हल्की फुल्की ट्रेनिंग के साथ अपने डाइट को भी क्लीन कर लिया, जहाँ पे चीनी मैदा जैसी चीज़ों को अवॉइड कर दिया ना, तो अल्टीमेटली आप 2-3% अपना बॉडी फैट गिरा दोगे। अब यहाँ स्क्रीन पर मैं एक बॉडी फैट परसेंटेज का डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख के आप समझ जाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका बॉडी फैट परसेंट कितना है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा है 25+, तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है अभी से पहले उस चीज़ को फॉलो कर लेना, 2-3% आप ऑटोमेटिकली गिरा दोगे इन सारी चीज़ों को, हैबिट को सही करें। अब बात करते हैं जो लोग 20% बॉडी फैट के आसपास है उनको क्या करना पड़ेगा अपना बॉडी फैट परसेंट गिराने के लिए। अब आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। अब अगर आपको वो चीज़ नहीं पता कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, नेट पे बहुत सारे कैलोरीज कैलकुलेटर हैं और वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये चीज़ भी नहीं करनी है तो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना बॉडी वेट केजीज में निकालना है, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो एक नंबर आएगा एक्यूरेट तो नहीं होगा बट एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। ये नंबर आपको मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना है, मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं। अब भाई आपका कहीं डीएम दब भी जाएगा तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि बेसिकली यूट्यूब की लिंक मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाऊंगा तो आपको वो स्टोरी लाइक कर देनी है, इससे क्या होगा कि आप टॉप पे आ जाओगे सबसे, ठीक है। फिर आपको मेरे को जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है नंबर और उसके साथ में आपको फैट लॉस या वेट लॉस जो भी करना है वो लिख के आप मेरे को डीएम कर दोगे। अब इससे क्या होगा कि जब आप स्टोरी लाइक कर दोगे, इससे आप जब टॉप पे आ जाओगे, जो जो बंदे टॉप पे रहेंगे उनको मैं उनके डीएम्स में सबसे पहले जाके खोलूंगा, उनको मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैं रिप्लाई दे पाऊँगा बेसिकली। तो अगर प्रायोरिटी पे रिप्लाई चाहिए तो इतना सा काम करके मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, बाकी सारा मैं देख लूँगा, तुम्हारा भाई बैठा है, कि आगे क्या करना है डाइट से लेके वर्कआउट से लेके जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैं देख लूँगा, सारी मैं तुम्हें गाइडेंस दे दूँगा कि तुम्हें बहुत हेल्प हो पाए उस चीज़ से तुम्हारे फैट लॉस या वेट लॉस के अंदर। एक छोटा सा और सिंपल सा थैंक्स है मेरा अपने इंस्टा फैमिली के लिए कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिखाया, तो इतना तो फर्ज मेरा बनता है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए। अब कुछ ही टाइम में हमारी इंस्टा फैमिली 20K की होने वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है भाई मेरे लिए, से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, कि इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप दोगे, इतना अच्छा सपोर्ट आप दिखाओगे कि हम इतने कम टाइम के अंदर 20,000 की हमारी एक फैमिली होगी बेसिकली, तगड़ी चीज़ है भाई। एक बार मैं प्रोसेस था वो वापस से रिपीट करता हूँ कि आपको मेरे को इंस्टा पे क्या डीएम करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले वेट निकालना है, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना है,
पाउंड्स में कन्वर्ट बेसिकली आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.2 से। सिंपली अगर आपका वेट 80 किलो आया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.2 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो एक नंबर आ गया। इसको इसके साथ आप मेरे को वेट लॉस या फैट लॉस जो भी आप करना चाहते हो लिख के आप मेरे को इंस्टा पे DM कर दो। जब मैं यूट्यूब की लिंक अपने इंस्टा स्टोरी पर डालूंगा उस स्टोरी को ही आपको लाइक करना है। उस पर जिस बंदे का लाइक रहेंगे वो टॉप पर रहेंगे, और जिस बंदे ने मेरे को DM किया होगा सबसे पहले मैं उनके DM चेक कर लूँगा, उनको मैं जाकर रिप्लाई दे दूँगा। और जिस जिसने लाइक नहीं करा होगा बेसिकली उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि DM भाई देखने में टाइम लगेगा, तो ये काम कर लेना, लाइक कर दोगे आप प्रायोरिटी पे आपको रिप्लाई मिलेगा। सो गाइस व्हाट इज़ अप, अभी आसपास का माहौल देख के आपको एक अच्छा खासा चेंज दिख रहा होगा क्योंकि हमने अब जिम चेंज कर लिया है, और इसके अंदर जो मशीनें हमने देखी थी ना इसलिए हमने जिम चेंज करी थी, यहाँ 2-3 मशीनें काफ़ी मेरे को अच्छी लगी। अभी ये सेट लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। कल 4 एक्सरसाइज लगाऊंगा और उसके बाद एक शोल्डर की एक्सरसाइज, लैटरल रेजिस, ठीक है। अभी चेस्ट की पहली एक्सरसाइज है स्मिथ इंक्लाइन स्मिथ, चलो। मेरे तो यार अभी 2200 ही हैं, अभी तो इंस्टा पे जाते हैं थोड़े से, 12-13 जा रहे हैं उस पर। तो ठीक है भाई लोग, लास्ट सेट है मेरा ये, और इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि ट्रेन करना कैसे होता है बेसिकली। चलो देख, जितने मेरे आएंगे उतने हैं, उसके बाद 5 तेरे को लगवाना है, ठीक है। तो ऐसे फेलियर तक हिट करना है, बढ़िया। भाई ये पूरे भर गए यार, जान ही खत्म हो गई इनमें। तो भाई ऐसे ट्रेन करना है फेलियर, तब एक अच्छी मसल ग्रोथ आप अचीव कर पाओगे। आप लोगों ने मेरा सेट देखा, अब एक इसका सेट देखना, ठीक है। चलो हाँ हाँ, अरे मैं रैप की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी की, कैसे ट्रेन करना है फेलियर तक। चलो इनको बहुत टाइम हो गया करते हुए, मेरे को इतना टाइम नहीं हुआ। देखो यहाँ पे टाइम का कोई लॉजिक नहीं है, इसमें एक ट्रेन करना होता है कि इंटेंसिटी तुमको क्या रखनी है, तुमको फेलियर तक तुम ट्रेन कर पाते हो या नहीं कर पाते। छाती पे नहीं गिर जाए ना ये रोड, छोड़ूंगा भाई। मैंने वैसे करा था, वो रोड पूरी आई गई, उससे पहले छोड़ा नहीं मैंने। चलो अब यहाँ पे सीन बताऊँ क्या हुआ, मेरे को आगे आंदे। अब यहाँ पे सीन बताऊँ क्या हुआ, बेसिकली जब मैं ये बोल दी थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि ट्रेनिंग में डिफेंस देखना, तो ये इंटेंस ट्रेन कर रहा है अभी, कर तो रहा है। वैसे ये ऐसे ट्रेन नहीं करता है, बहुत बार देखा मैंने, करने से मतलब है डेली यही चीज बोलो। सीन क्या रहता है, जब 2-3 रैप जो निकालने होते हैं फेलियर तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक लोग बाग नहीं जाते हैं, तो ये सीन था मेरे को दिखाना था। चलो 2-3 मशीनों की मैंने बात करी थी, उसमें से पहली मशीन है ये चेस्ट प्रेस, काफ़ी बढ़िया मशीन है, और यहाँ पे एक पेंडुलम स्क्वाट्स भी है वो भी बढ़िया है, एक चेस्ट सपोर्ट टी बार है वो भी काफ़ी अच्छी है, और 2-3 मशीन है यहाँ पे, तो इन इस चीज़ की वजह से मैं जिम चेंज करा। हाँ एक शोल्डर प्रेस भी अच्छी है, फ्री वेट वाली बढ़िया मशीन है काफ़ी। अभी पहली बार लगा रहा हूँ, सीन क्या रहता है देखते हैं। नहीं इससे हैवी भी आ सकता है वैसे तो, बढ़िया है भाई।
सो अभी अपनी चेस्ट की थर्ड एक्सरसाइज है फ्लाई, इसके भी फेलियर मारेंगे, तीन सेट हैं इसके बेसिकली, और रैप कम से कम निकालने ट्राई करेंगे 12 से 15। तो ठीक है, अब लास्ट एक्सरसाइज अपनी चेस्ट की, इसके बाद शोल्डर की रहेगी लैटरल रिजेस। और इससे पहले मैंने पैक डेक फ्लाई लगाई थी, लेकिन यार पैक डेक फ्लाई किसी भी जिम की मेरे को बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि यार फील आ नहीं पाता बिल्कुल, यार अजीब सी चलती है। इसलिए मैंने कहा फ्री वेट से केबल स्टेशन में लगाओ, बढ़िया रहती है। तो भाई रियलिटी यार ये तो नहीं, भाई तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे से पैक डेक फ्लाई अच्छे से नहीं आती। नहीं तो वो तो वीडियो आई है ना वैसे भी, पर कोई नहीं, लगा ली थी, अगली बार पैक डेक फ्लाई नहीं लगाएंगे। अब एक चीज मेरे को इसमें बोलनी है कि लास्ट में पार्सल निकालने हैं, 2, 3, 4, 5 जितने पार्सल हैं उतने आपको निकालने हैं। और एक ये वाली मशीन है, ये भी लास्ट जिम में नहीं थी, इस जिम में देखी, काफ़ी बढ़िया मशीन है। तो ठीक है, चेस्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब शोल्डर की एक एक्सरसाइज की, केवल साइड लेटरल। अब शोल्डर से अप्रोच क्या रहती है, सबसे पहले मैं इसके 4 सेट लगाऊंगा लेटरल के, और बेसिकली क्या करता हूँ कि एक वर्किंग होता है, वर्किंग के साथ ड्रॉप सेट होता है, तो ऐसे करके एक सेट कंप्लीट होता है, काफ़ी वीडियोज मैंने बताया हुआ अभी है। शोल्डर में जब ये कंपाउंड मूवमेंट लगाओ उसके अंदर ड्रॉप सेट मत डालो, लेकिन उसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है उन सब में ड्रॉप सेट डालो। बेसिक लास्ट में डाल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा लेटर लगाते हुए हर सेट में ड्रॉप सेट मारो। चलो तो ऐसे करके टोटल मेरे ख्याल से मैं लगा लेता हूँ 150-200 रैप लगाता हूँ साइड लेटरल के। चलो अब जैसे इसके टोटल 25 रैप आए मेरे, अब वेट ड्रॉप करके 20-25 रैप और मारूंगा, लेकिन ये पार्शल रहेंगे। और फ्रंट डबल वाइस मारो, हाँ ये भी है। तो इंटेंस वर्कआउट के बाद मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेंट रिकवरी के लिए GNC का प्रो परफॉर्मेंस 100% वेज से मिलता है आपको 24 ग्राम प्रोटीन, 11.4 ग्राम EAA, जीरो एडेड शुगर विद डाइजाइम फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन।